So this is the best Instagram notes video on YouTube. Let's begin. So our first note is, if you don't find the key of success, break the lock. अगर सफलता की चाबी नहीं मिले तो ताला ही तोड़ दो. Next देखते हैं. Small heart, big trouble. मतलब छोटा दिल और बड़ी मुसीबत. Next देखते हैं. How can I miss someone I never had one? मतलब मैं किसी को कैसे मिस करूं या फिर याद करूं जब मेरे पास वो था ही नहीं या फिर कोई भी था ही नहीं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लाइफ इज शॉर्ट, स्माइल इफ यू हैव टीथ. मतलब जिंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, अगर आपके पास दांत हैं तो हंसो. क्योंकि भाई बिना दांत के लोग हंसते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं. तो भाई अभी तक जो नोट बताए मैंने आपको थोड़े से फनी तरीके के थे. आगे जो है मैं आपको ऐसे नोट बताने वाला हूँ जो आप अपने इंस्टाग्राम पर लगा सकते हैं, आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं या किसी से भी लगाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस नोट के जरिए. तो चलो देखते हैं. आई एम स्लोली स्लोली गिविंग होप. मतलब मैं धीरे धीरे उम्मीद छोड़ रहा हूँ. ये थोड़ा सैड तरीके का है, आप इंस्टाग्राम पर लगा सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. फीलिंग वर्स्ट विदाउट यू. मतलब मैं बहुत बुरा फील करता हूँ तुम्हारे बिना. तो नेक्स्ट देखते हैं अपना. फीलिंग लाइक समथिंग इज ब्रोकन इनसाइड. मतलब ऐसी भावनाएं हो रही हैं, मतलब ऐसी फील हो रहा है कि अंदर से कुछ टूट चुका है, जैसे दिल. तो भाई आपको जो भी नोट पसंद आ रहा हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना और वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना. चलो तो भाई चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना. वन बॉय थाउजेंड फीलिंग्स. मतलब एक लड़का और हज़ार भावनाएं. आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं या फिर वन बॉय थाउजेंड ऑफ ब्लेसिंग. मतलब एक लड़का हज़ारों दुआएं. कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं आप जो भी आपको पसंद आए. नेक्स्ट देखते हैं अपना. स्टाइल इज़ अ वे टू से हु यू आर. मतलब स्टाइल एक जरिया है आपको बताने के लिए कि आप क्या हो. आपका स्टाइल ही आपको बता देगा कि आपकी पर्सनैलिटी को वो डिफाइन कर देगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. नेक्स्ट देखते हैं. स्टाइल इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी. लो भाई वो फिर से वही बात हो गई भाई. वो बिल्कुल पहले वाले की तरह सेम ही है कि आपकी जो पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा स्टाइल आपका. तो आपको समझ में आ गया होगा. सो भाई नेक्स्ट देखते हैं अपना. स्लीप अवे सैडनेस टुनाइट. मतलब दुख भरी रात में नींद दूर है या फिर नींद खत्म हो गई है, चैन सुकून बिल्कुल खत्म. सो भाई चलो अपना नेक्स्ट देखते हैं. अब प्लीज बर्न माई सैड मेमोरीज. मतलब कृपया मेरी दुख भरी यादों को जला दें या फिर खत्म कर दें. सो भाई चलो अपना नेक्स्ट देखते हैं. लिव ऑल द लाइज एंड से माई फेवरेट. मतलब सारे झूठ छोड़ो और मेरा पसंदीदा झूठ बोलो. मतलब भाई होता है ना, लड़कियां बोलती हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती या फिर तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन आफ्टर ब्रेकअप पता चलता है भाई पहले से ज़्यादा भली चंगी है. तो नेक्स्ट देखते हैं अपना. आई इन्जॉय लाइफ व्हेन आई नो द ट्रूथ. मतलब मुझे झूठ सुनने में मज़ा आता है जब मुझे सच पहले से ही मालूम होता है या फिर सच पहले से ही पता होता है. ये बात तो भाई हकीकत है. तो भाई चलो नेक्स्ट देखते हैं. अगली थिंकिंग डिस्ट्रॉय अ प्रीटी फेस. मतलब बुरे विचार या फिर बुरी सोच एक खूबसूरत चेहरे को भी बुरा बना देते हैं या फिर बर्बाद कर देते हैं. कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. Can't stand with me, then stay away. मतलब अगर मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते तो मुझसे दूर रहो. आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं. बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं ऊपर वाले. सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को. और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और भाई ये वाली वीडियो आप जाकर देखो और इन्जॉय करो.